ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हुआ। 13 देशों के उद्योगपति जीआईएस 2023 में मौजूद रहे। यूपी में 22 लाख करोड़ के निवेश की संभावना जताई जा रही है। इन्वेस्टर समिट में 3 दिनों में कुल 34 सत्र होंगे। 430 से ज्यादा कंपनियां जीआईएस 2023 में शामिल हुई है। हमारी रिपोर्ट देखिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हमारे साथ मौजूद है, कैसे देख रहे हैं आज सर, कितना निवेश हुआ? बहुत नजारा था आज उत्तर प्रदेश का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश राज्य के 25 करोड़ लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं, अद्भुत मार्गदर्शन मिला है। देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ उपस्थित थे। बेहतर नज़ारा, एक अद्भुत संगम लोगों ने देखा कि उद्योग जगत में भी उत्तर प्रदेश नंबर एक पर शीघ्र ही आ जाएगा। लगता है कि जो अपराध में कानून व्यवस्था थी उसको संभालने का प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है कि लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश अव्वल है, स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अव्वल है और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश को हम नंबर एक राज्य बनाने के लिए संकल्प है। आर्थिक मोर्चे पर भी हम नंबर वन आने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर तारीफ करी और आने वाले समय में एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज बहुत बड़ा दिन था उत्तर प्रदेश के लिए और बड़ा ओर से उत्तर प्रदेश में 32,92,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आना, यह बहुत ऐतिहासिक नंबर हैं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब स्वयं ये कहें कि मैं यूपी का सांसद हूं और वह स्वयं जिम्मेदारी लें, निवेश करने वाले निवेशकों को भरोसा दिलाने का काम करें, और भारत सरकार का बजट आ चुका है, राज्य सरकार का आने वाला है, तो डबल इंजन की सरकार, डबल रफ्तार से 35 लाख करोड़ का सर बजट आया, वो निवेश आ रहा है, रोजगार के कितने अवसर सृजित होंगे सर? अब वो रोजगार की तो बरसात होगी, रोजगार की बरसात होगी और तमाम चीज़ों को लेकर भी बात कही, कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह एक विश्वास दिलाने का काम किए हैं, उसका निश्चित तौर से स्वागत और अभिनंदन। कैमरामैन सुधीर के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा हमारे साथ मौजूद है। आज एक बड़ा निवेश हुआ है सर, कितना उत्साहित है? बहुत ज़्यादा उत्साहित है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ आकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम लोगों को आशीर्वाद दिया, पूरे प्रदेश को, कि जनता से बहुत खुश है। साथ ही मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके नेतृत्व के लिए भी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि उनके नेतृत्व में इतनी अच्छी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ है जिसमें लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है विभिन्न क्षेत्रों में। हम लोग अब उत्तर प्रदेश में आने वाले इस निवेश को, हमारे सभी औद्योगकार भाइयों को, बहनों को स्वागत करते हैं और अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराते हैं कि यहाँ होने वाले निवेश के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा करके उसे हम हैंड होल्डिंग करेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज बड़े निवेश को कह सकते हैं मोदी जी ने कहीं ना कहीं से एक हरी झंडी दिखा दी, अब कैसे देखें? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत हर्ष का दिन है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के शासन को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरह से उन्होंने प्रशंसा किया, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को, उत्तर प्रदेश के सुशासन को, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने में योगी जी के योगदान को, तो ये निश्चित तौर पर हम सब के लिए आज ये गर्व का दिन है। रोजगार की संभावनाएं भी अब ज्यादा बढ़ेंगी, जो लोग यहाँ से पलायन करके अन्य जगह जाते थे वो अब यहीं पर अपना व्यापार करेंगे। निश्चित तौर पर जब यहाँ पर कल कारखाने खुलेंगे तो यहाँ पर नौजवानों को रोजगार मिलेगा और भी कई तरह से लोग जो उस व्यवसायिक दृष्टि से भी उससे जुड़ेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबी तकरीर की, क्या कुछ समझ में आ रहा है उत्तर प्रदेश की ऊंचाइयों पे? निश्चित रूप से पूरा प्रदेश हम लोग गदगद है और आज के दिन में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में हम लोग आगे रहेंगे और प्रधानमंत्री जी ने जो उन्होंने आशीर्वाद दिया उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रधान बनाने, आज जो ये आज इंडस्ट्री हब है, आज इन्वेस्टमेंट का जो मेला लगा हुआ आपने देखा होगा कि ये 70 साल पहली बार है और निश्चित रूप से हम लोग जो जनता के इरादों पर और सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसे पूरा करेंगे। कितने MOUs साइन हुए, कितने का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद लगा रहे हैं? जो हमारी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसे हम लोग पूरा करेंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हर सेक्टर में जो जो भी उद्यमियों के लिए आवश्यकता होगी उसे हम लोग पूरा करेंगे।
बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना संजय निषाद जी को, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उद्यमियों की जो भी ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। कैमरामैन सुधीर के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और देखिए बड़ी खबर।